योगी सरकार ने रद्द की पुलिस भर्ती परीक्षा और 6 महीने के अंदर दोबारा होगी परीक्षा। पेपर लीक के बाद देखिए सरकार का ये सबसे बड़ा फैसला। और योगी सरकार ने छात्रों की जो मांग थी वो मान ली है। 48 लाख छात्र को यहां पर बड़ी राहत मिली है और इस खबर के सामने आने के बाद छात्रों में खुशी साफ तौर पर देखने को मिली। जश्न का माहौल है और योगी सरकार ने रद्द की पुलिस भर्ती परीक्षा, 6 महीने के अंदर दोबारा ये परीक्षा होगी। पेपर लीक के बाद सरकार का ये फैसला और देखिए अपनी मांग को लेकर पेपर लीक के बाद लगातार जगह जगह पर जो छात्र थे वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे, री एग्जाम की मांग कर रहे थे। और अब इस पूरे मामले को लेकर देखिए जांच पड़ताल भी आगे बढ़ रही है और नकल माफियाओं पर योगी सरकार का शिकंजा यहां पर कसता हुआ नजर आ रहा है। एसटीएफ अब इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल करेगी। पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द और एक्शन में एसटीएफ और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये ट्वीट भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सीएम योगी ने पोस्ट किया है और लिखा, यूपी पुलिस आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर चयन के लिए आयोजित परीक्षा 2023 को निरस्त कर दिया गया है। जो मांग थी उसे सरकार ने मान ली है। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा कब हुई थी इसकी भी पूरी जानकारी आपको ग्राफिक्स के जरिए हम दे रहे हैं। लेकिन देखिए ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी पुलिस पेपर लीक मामले में योगी आदित्यनाथ सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है और सीएम योगी ने यूपी पुलिस परीक्षा को निरस्त कर दिया है। इस पूरे मामले को लेकर जांच का दायरा भी आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एसटीएफ इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल करेगी और सीएम योगी ने छात्रों की शिकायत के बाद यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द करने का ऐलान कर दिया। अब 6 महीने के अंदर एक बार फिर से ये परीक्षा आयोजित की जाएगी और जल्द ही पुलिस भर्ती बोर्ड की ओर से इसकी घोषणा कर दी जाएगी। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद सीएम योगी ने यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2023 को निरस्त कर दिया और सीएम योगी ने साफ कहा है कि 6 महीने के भीतर पूर्ण सुचिता के साथ इस परीक्षा को आयोजित किया जाएगा। खबर पर अधिक अपडेट के साथ संवाददाता एहतिशाम हमारे साथ जुड़ गए। एहतिशाम, क्या अपडेट है? देखिए साफ तौर पर इस खबर के सामने आने के बाद, सरकार का ये बड़ा फैसला सामने आने के बाद छात्रों में खुशी है। देखिए उत्तर प्रदेश के 48 लाख जो छात्र हैं जो आंदोलन कर रहे थे, जुड़े थे, हजारों छात्र लखनऊ प्रदर्शन कर रहे थे, उन्होंने सरकार पर भरोसा जताया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अधिकारियों ने अब तक सरकार को गुमराह कर रखा है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की परीक्षा है और इसके लिए सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड बना हुआ है जहां पर एडीजी रैंक का अफसर तैनात रहता है। पुलिस के पास तमाम खुफिया एजेंसियां रहती हैं। उसके बाद भी इस तरह के पेपर आउट होना ये कहीं ना कहीं सवालिया निशान है और बिना पुलिस विभाग के अफसरों के और उनके डिपार्टमेंटल लोगों की मिली भगत के बिना ये पेपर आउट हो ही नहीं सकता है। और जिस तरह से पेपर आउट हुआ है वो कहीं ना कहीं यूपी पुलिस की कार्यप्रणाली और उस पर सवालिया निशान लगाकर खड़ा कर दिया है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तमाम छात्रों को ये भरोसा दिलाया है कि उनके साथ नाइंसाफी नहीं हो गई होगी और 6 महीने के भीतर ये दोबारा परीक्षा होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो परीक्षा का पेपर आउट हुआ था वो कहीं ना कहीं इस बात का साफ संकेत दे रहा था कि जो छात्र आंदोलन कर रहे थे वो सही है और जो उच्च अधिकारी है इस पूरे मामले में रवैया उनका ठीक नहीं था। एक दूसरी बात यह भी है कि परीक्षा पेपर आउट होने को लेकर विपक्ष भी लगातार हमलावर हो गया था और हाल ही में देश में लोकसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में सरकार भी कोई रिस्क लेना नहीं चाह रही थी। तो जो पूरा पेंट है वो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री को जाता है और मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद परीक्षा को रद्द कर दोबारा परीक्षा कराने का ऐलान हुआ है। तो ऐसे में कोई भी आला अधिकारी इस पूरे मामले पर नहीं बोलना चाहता है, वो अपनी गर्दन साफ तौर से बचा रहा है। लेकिन इतना तो तय है इस पूरे मामले में कई अफसरों पर गाज गिरनी तय है। देखना होगा कि इस पूरे मामले में नकल अपराधियों पर किस तरह से शिकंजा कसता है। चलिए तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखें।